डॉक्यूमेंट कहाँ हो गए? पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिन्होंने अपने अपने माध्यम से मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं और तमाम राजनीतिक नेताओं को, कई विधायक, कई सांसद, कई केंद्रीय मंत्री, विशेष तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद। दूरभाष फोन के माध्यम से उन्होंने जिस तरीके से शुभकामनाएं दी और आने वाला साल हम सबके लिए बेहतर साल ये कामना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी का, तमाम उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने विभिन्न माध्यमों से मुझ तक अपनी शुभकामनाएं दी। बिहार से जुड़े हुए कई सवाल हैं, बिहार वासियों से क्या चाहते हैं, खासकर हाजीपुर की जनता से क्या उम्मीद है? सिर्फ आशीर्वाद चाहता हूँ और मैंने सिर्फ यही ख्वाहिश रखी है। मेरे नेता मेरे पिता के निधन के बाद यकीनन एक कठिन दौर से मैं गुजरा और उस वक्त भी मैं आशीर्वाद यात्रा पर ही निकला और बिहार की जनता से सिर्फ उनका आशीर्वाद मांगा और आज उन्हीं के आशीर्वाद की बदौलत जो कुछ भी, क्योंकि मेरे अस्तित्व को मेरे मुझे समाप्त करने का एक पूरा षड्यंत्र कहीं ना कहीं रचा है, पर आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता की वजह से हूँ। आज भी अपने जन्मदिन पर अपनी तमाम माताओं, बहनों, तमाम बुजुर्गों, मेरे तमाम युवा साथियों का सिर्फ साथ, प्यार और आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ। यकीन देखिए समय बीतता है पर यादें वहीं की वहीं रहती हैं और खास तौर पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं, आप इतने यूज्ड टू होते हैं उन दिनों को अपने करीबियों के साथ मनाने के, जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में हूँ। पापा के साथ ही हर जन्मदिन मनाया, सबसे पहला व्यक्ति घर पे अगर कोई मुझे विश करते थे तो वो पापा ही होते थे। तो यकीनन ऐसे दिनों में कमी ज़्यादा महसूस होती है, मिस करता हूँ, हकीकत में मिस करता हूँ, पर उन्हीं का ही आशीर्वाद है मैं यहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ और आगे बढ़ पा रहा हूँ। एक अहम सवाल है, राजनीतिक दृष्टि से आपने कहा कि कई लोगों ने तोड़ने की कोशिश की लेकिन अब चीजें बैलेंस होती नजर आ रही है, तो चाहे चाचा सबके साथ के बाद और उपहार लेना खासकर हाजीपुर की, क्योंकि वो दावा ठोक रहे हैं उस पर, तो आपका भी दावा है तो उपहार स्वरूप मांग लीजिए। आज मेरा जन्मदिन, कोई राजनीतिक टिप्पणी में मैं उलझूंगा नहीं आज के दिन, हर किसी के आशीर्वाद की कामना रखता हूँ। चिराग जी, एक सवाल और है कि 41वां जन्मदिन है आपका, इसके बाद ठीक इलेक्शन है आपके जन्मदिन की, अब जो आएगा वो इसके बाद इलेक्शन के बाद होगा, तो इस बार क्या आपका पूरा वो तैयारी है, किस तरह की तैयारी है इलेक्शन के लिए, किस तरह से आप संकल्पित हो रहे हैं, आपको कैसे? मुझे लगता है एक उम्र के बाद जन्मदिन जस्ट बिकम्स एनी अदर डे। ये मेरे तमाम पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं का प्यार है, आप लोगों को भी कई बार कठिनाइयाँ होती हैं, भीड़ भाड़ इतनी हो जाती है, उसके लिए भी क्षमा चाहूँगा, पर ये इन सब का प्यार है कि आज के दिन को खास बनाने का ये लोग प्रयास करते हैं मेरे लिए। पर हाँ, मेरा ध्यान पूरी तरीके से केंद्रित है, मेरा जन्मदिन हो, मुझे याद है पिछले जन्मदिन पर तो हम लोग चुनाव प्रचार में थे, चुका दिन हम लोग प्रचार में ही थे, उपचुनाव चल रहे थे, तो मेरे लिए दिन का उतना महत्व नहीं है, मैं जिस लक्ष्य के साथ निकला हूँ अपने उस लक्ष्य को पूरा करूँ, जैसा आपने कहा चुनावी वर्ष है और एक बड़े बड़े रण की ओर हम लोग अग्रसर होंगे, ऐसे में ध्यान मेरा पूरा केंद्र लोकसभा चुनाव को लेकर ही, आज सुबह जब गृह मंत्री जी से भी बात हुई और उन्होंने भी जब मेरे बेहतर भविष्य की उन्होंने कामना की और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपका आने वाला साल बहुत खूबसूरत हो और आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए, उज्ज्वल, उस वक्त मैंने भी उनको यही कहा कि सर हम सबके लिए हो, बिहार में खासतौर पर लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीटें NDA गठबंधन जीते, इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का कार्य। एक अंतिम पॉलिटिकल सवाल है, आप 41 वर्ष हो गए, लेकिन बयान आया है कोई भी गौरव ऐसी बातें करते हैं जिन्होंने बिहार के गौरव, बिहार के स्वाभिमान को मिट्टी में मिलाने का काम किया, वो लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि लोग आपस में बिहार का गौरव, वो नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर जो G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने अपने बैकड्रॉप पर, मां महिम राष्ट्रपति जी के डिनर पर बैकड्रॉप में वो तस्वीर थी, वो बिहार का
गौरव था नालंदा यूनिवर्सिटी। आज की तारीख में मुझे बताइए, जब छात्र से लेकर शिक्षक तक आपसे नाराज, शिक्षक अपनी नियुक्तियों को लेकर, बहाली को लेकर, छात्र बार बार हो रहे पेपर लीक को लेकर, 3 साल का डिग्री का कोर्स 4 साल 5 साल 6 साल तक लंबित होने को लेकर, ऐसे में मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी जब ये कहती है कि हम बिहार के खोए हुए गौरव को वापस लेकर आए, कैसे लेकर आए? आपके बने हुए पुल हवा में गिर जाते हैं, क्या ये बिहार का गौरव है? या बांध चूहे उतर जाते हैं, ये बिहार का गौरव है? शराबबंदी होने के बावजूद लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं, क्या ये बिहार का गौरव है? मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने गए हुए लोग अपनी आंखें गवा देते हैं, ये बिहार का गौरव है? मेरे मुख्यमंत्री खुद बिहार में इलाज कराने से डरते हैं, दिल्ली जाते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने, क्या ये बिहार का गौरव है? अस्पताल में आज भी डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, क्या ये बिहार का गौरव है? ऐसे में जो लोग ये दम भरते हैं, एक उपलब्धि इन 19 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बता रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में उपलब्धियां अपराध को लेकर है, आए दिन हो रही हत्याओं को लेकर, बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर है, 7 निश्चय में हो रहे दिन रात घोटाले को लेकर है, और इससे कहीं पे भी बिहार का सर कम से कम गौरव से ऊंचा नहीं होता जो कारनामे लोग।